डॉक्टर अनवर आलम जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर अनवर आलम जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए कैसे जी ऐसे नीचे आरा सदर अस्पताल में मुख्य गेट से दवा वितरण केंद्र तक पीसीसी कार्य एवं दवा वितरण केंद्र के पास भव्य शेड का निर्माण तथा मरीजों के बैठने के लिए आरसीसी बेंच का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक फंड से माननीय विधायक आरा सदर डॉक्टर मोहम्मद नवाज आलम उर्फ अनवर आलम द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही साथ वलीगंज में एक बाल किराना से जहूर आईटीआई तक पीसीसी गली निर्माण तथा वलीगंज मस्जिद से एक बाल किराना की ओर पीसीसी गली निर्माण का कार्य का उद्घाटन डॉक्टर नवाज आलम ने किया। शहरी विकास कार्य को प्रगति देते हुए विधायक ने कसाब टोला में मसीहा साहब के घर से कसाब टोला मीट मार्केट तक पीसीसी गली निर्माण का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में अस्पताल परिसर में विधायक अनवर आलम के साथ अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में राजद नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश मुन्ना, उपाध्यक्ष राजद सियाराम यादव, छात्र प्रतिनिधि राजद राजा पासवान, छोटू यादव, कांतु यादव, पूर्व वार्ड आयुक्त की के साथ कई लोग मौजूद रहे। आप शेर देख रहे हैं यह कितना उपयोगी है, मैं अधीक्षक के तौर पर जान सकता हूं। अस्पताल के पास सीमित संसाधन है और वर्षों से मेरी इच्छा थी कि यहाँ पर एक शेर बने। जो यहाँ जनता आती है वो धूप में, पानी में, ठंडे में खड़े रहकर पर दवा लेती थी। सामने में जो सामने बहुत ही विस्तार से कुछ बातें रखने का काम किया है। मेरा मानना है कि आरा के जनपद में मैं यहीं स्कूलिंग किया, पढ़ा लिखा और छात्र जीवन से यहां के सदर अस्पताल से एक लगाव रहा है, इसलिए कि हम लोग एक किसान के बेटे रहे। सचमुच में मैं यदा कदा, चाहे अब मैं पटना में रहूं चाहे यहाँ रहूं, दो तीन बिंदुओं पर बहुत ही हमेशा जो है ध्यान देने का काम करते हम हैं। एक सबसे पहला कि आरा में ड्रेनेज की व्यवस्था कैसे ठीक हो, दूसरा कि आपके शिक्षण संस्थान कैसे दुरुस्त हो, तीसरा जो है यहाँ के स्वास्थ्य, जो हम लोग का सदर अस्पताल है जो लाइफ लाइन है गरीबों का, उसको कैसे सुधारा जाए। जब हम लोग यहाँ आना शुरू किए, हम सुपरिटेंडेंट साहब की कोई एक पदाधिकारी के नाते कोई इनकी जो है बहुत ही बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये भी मामले में इन्होंने कहीं ना कहीं पाबंदी जो है कुछ आयत करने का काम किया था और यही कारण है कि सरकार ने भी भरोसा किया, हम लोगों ने भी भरोसा किया कि इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देते हुए यहाँ का सुपरिटेंडेंट जो पद जो है नया सृजित हुआ उस पर इनको आसीन करने का काम सरकार ने किया। हम लोग तमाम लोग का सहयोग रहा है। मेरा मानना है कि ऐसे पदाधिकारियों के साथ या कोई भी आदमी हो, अभी डॉक्टर का हड़ताल भी चल रहा था, हमने कहा था साफ सुथरा कि एक पक्षीय बात नहीं होनी चाहिए। सरकार डॉक्टर के भी प्रॉब्लम को समझना होगा कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कितना है। अब जैसे आप आए दिन लोग हल्ला करते कि एम्बुलेंस जो है हमें नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस यहाँ एक प्राइवेट जो है संस्था के माध्यम से दिया हुआ है और एम्बुलेंस आए दिन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उसको रख रखाव के मामले में खराब पड़ी करके यहाँ एम्बुलेंस नहीं चलता, जिसके लिए हम लोगों के संज्ञान में आया है, उसके लिए हम लोग ऊपर भी बात कर रहे हैं कैसे उसको दुरुस्त किया जाए। उसी तरह से यहाँ न्यूरो फिजिशियन नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है, उसके मामले में हम परसों भी प्रधान सचिव से कहा कि हमारे यहाँ न्यूरो फिजिशियन कैसे दीजिएगा। न्यूरो सर्जन नहीं रहने से आए दिन आपका एक्सीडेंटल केस होता है, यहाँ से लोग प्लान करके पटना भेजे जाते हैं। आप यहाँ उस डॉक्टर को अवेलेबल कराइए, ईएनटी के डॉक्टर नहीं है। आप परसों विभाग में मात्र 3 डॉक्टर हैं मेरी जानकारी में, अब 3 महिला डॉक्टर कभी 48 घंटा ड्यूटी करती है, उसके भी प्रॉब्लम को समझना होगा। एक रात एक बार ऐसा गुजरा कि हम
तीन बजे रात में लगता है आपको टच किए, सुप्रिंटेंडेंट साहब को तीन बजे रात में टच करते हैं। और सनदिया गांव की एक महिला परसों था, डिलीवरी वाली थी और संडे का दिन था, पूरा नर्सिंग होम बंद। तीन बजे रात में इन्होंने मधुबाला जी को बुलाकर, वो कह रही थी 48 घंटा हम ड्यूटी कर चुके, बुलाकर उसको ऑपरेशन कराने का काम हुआ। तो उस मामले में भी हम लोग की कोशिश है और हम इस मंच से भी सरकार से मांग करते हैं और प्रधान सचिव से लेकर तमाम जगह हम इस सदन में भी ये मामला लाने का काम करेंगे। उससे बात किए सीए से, इनसे कि हमसे जो बन पड़ेगा आप कौन सा मदद लेना चाहते हैं। हमें लगा कि जहां दवा वितरण होता, जहां लोग जो है पेशेंट दूर दूर से, गरीब लोग आते हैं, निरीह लोग आते हैं, असहाय लोग हैं, तभी तो वो दवा के लिए यहाँ आते, उन लोगों के लिए बैठने की कोई जगह नहीं थी। अगर शेड यहाँ पर लगेगा तो लोग कम से कम धूप से बचेंगे, पानी से बचेंगे और बैठ सकेंगे। मैंने इसको प्राथमिकता में लिया और इस काम को अमली जामा पहनाने का काम किया है। साथ ही साथ यहाँ की रोड भी जो आने जाने की थी, लोग आते जाते थे, डॉक्टर आते, आप बताइए कि डॉक्टर हैं, जब डॉक्टर के आने जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, जिस तरह से इमरजेंसी वार्ड में आप जाइए तो इमरजेंसी वार्ड में बरसात के महीने में हम देखे हैं कि डॉक्टर लोग अपना जूता उतार के जाते हैं, तो उसको भी सुधारना मेरा कर्तव्य बनता है। हम लगातार कोशिश भी चल रही है, हो सकता है तो इसको पूरा किया जाएगा। यहाँ एम्बुलेंस की जो कमी है, हमने कहा है कि एम्बुलेंस जो है अगर मेरे निधि से भी देने की व्यवस्था होगी तो हम यहाँ एम्बुलेंस देने का काम, ताकि वो एम्बुलेंस यहाँ के सिविल सर्जन और सीएस का अधीन रहेगा। कोई बेचारा गरीब कहीं देहात से कहीं पीड़ित आता है और उसके पास पैसा नहीं है ले जाने का, किसी तरह की घटना हो जाती है, कहीं कोई पोस्टमास्टर होता है उसके पास पैसा नहीं है, सहाय टाइप का है, तो वैसे लोगों को व्यवस्था करने के लिए अगर एम्बुलेंस इन लोग के डायरेक्ट हाथ में रहेगा तो उसकी सेवा मिल जाएगी। इसलिए उसको भी हम बहुत जल्द जो है अपने निधि से जो है एम्बुलेंस देने का काम करेंगे।